जी तो लहरियों कार्यक्रम 6 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना और उसे आगे रखना। वेल, इस कार्यक्रम के अंतर्गत फैशन शो भी करवाया जाएगा, तो जो महिलाएं इस कार्यक्रम में आना चाहती है उन्हें बढ़िया मेहंदी लगानी चाहिए, साथ ही साथ वो अगर अच्छी ड्रेसअप करके आएगी तो इन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाइए और मैं चाहूँगी कि भारी जनसंख्या में आप लोग यहाँ पर आएँ। कार्यक्रम जो है वो 6 अगस्त को किया जाएगा श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय के अंदर, जो कि घंटाघर के पास है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी आएँ शाम 5 बजे से। नमस्कार, मैं नीलम मिश्रा, आज मैं आई हूँ श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय में और यहाँ पे FM की तरफ से पोस्टर का विमोचन है। FM 89.6 के द्वारा आज लहरियों के पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है। हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति को जीवित करने के लिए, हमारी धरोहरों को संजोए रखने के लिए मैं सबसे पहले तो FM का धन्यवाद करती हूँ। और चूंकि इसकी जो ओनर है वो भी एक महिला है, इसलिए इतने सुंदर सुंदर आयोजन ये कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा प्रयास भी है। ये जो आयोजन है ये 6 अगस्त को यहाँ के स्थानीय जो श्री कृष्ण सत्संग महाविद्यालय है यहाँ पे होने जा रहा है। मैं शहर की सभी माताओं से, मातृशक्ति से, बहनों से निवेदन करती हूँ कि आप अधिक से अधिक इसमें भाग लीजिए और हमारी संस्कृति के धरोहर बनिए। इसलिए मैं सीकर की मातृशक्ति से अधिक आने के लिए निवेदन करूँगी और धन्यवाद दूँगी बहुत ही हृदय की गहराइयों से FM 89.6 को कि ये इतने सुंदर सुंदर आयोजन शहर की मातृशक्ति को, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सब लोगों को नमस्कार। आप लोग सब यहाँ पर पधारे ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं यहाँ कॉलेज में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और यहाँ के सिस्टम को थोड़ा देखती हूँ। इसके चाहती हूँ कि जमाने के साथ आगे बढ़ो, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी छवि को कभी कमज़ोर मत होने दो। संस्कारों के साथ अपने जितने भी संस्कार हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनमें कोई परिवर्तन ना आए और आप समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। महिलाओं को अपना उद्देश्य लेके चलना है, उद्देश्य के साथ चलें और उसके ऊपर डिटरमिनेंट हो जाएं कि किसी भी तरीके से हम उसे हासिल करें। खूब मेहनत करें और अच्छे कार्य करें। साथ ही मैं FM रेडियो 89.6 का शुक्रगुजार करती हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आज हमारे इस कॉलेज को लहरियों प्रोग्राम के लिए चुना। बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, हमारे इस कॉलेज की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे, हम सबसे मुलाकात भी करेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं मैम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम इनकी वजह से हुआ। हमारी ग्रेसी मैम है, उन्होंने तो एक बार मुझे थोड़ा सा नीरस कर दिया। नीरस यूँ कर दिया कि उनके पास ऑफ़र और बहुत सारे आए थे कि हमारे यहाँ लहरियों करो, तो इनको थोड़ा सा लगा कि अब मैं किसको मना करूँ। तो थोड़ा सा मैं नीरस हुई थी, इसमें कोई दुराय नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने और मैम ने दोनों ने कहा नहीं नहीं कॉलेज में करने का है, इस बार तो कॉलेज चलेंगे। तो मैं उनका स्पेशली बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सब आए। धन्यवाद।